वार्ड नंबर 47 के काउंसलर और वार्ड नंबर 47 की अथॉरिटीज़, आखिर किस बात का इंतज़ार है? क्या इस बात का इंतज़ार है कि किसी व्यक्ति की जान जाए? क्या इस बात का इंतज़ार है कि कुछ लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो या अन्य नुकसान हो? ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताते चलें। ये आप पोल देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ पर, ये पोल जो है किसी भी वक्त जो है वो गिर सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे 30-40% जो है वो बेंड हो चुका है और कभी भी जो है ये पोल गिर सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत कंजेस्टेड गली है और बिल्कुल साथ साथ लोगों की प्रॉपर्टी है, घर है, लोग आसपास रहते हैं। और ये पोल है जो कि आप देखिए इसके ऊपर काफ़ी सारी वायरिंग है जो कि जा रही है। और ये पोल अगर आप नीचे से भी देखेंगे तो काफ़ी जो है ऑलमोस्ट जो है वो टूट ही चुका है, आप ये कह सकते हैं। और कभी भी ये पोल जो है वो नीचे गिर सकता है और यहाँ पर लोगों को जो है वो परेशानी हो सकती है, लोगों का नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये रोड जो गली है ये लगातार जो है वो चलती रहती है, बच्चे यहाँ से निकलते हैं, शॉप्स हैं यहाँ पर, लोगों का आना जाना जो है वो लगा रहता है और कभी भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक वार्ड की जिम्मेदारी एक काउंसलर को जो है वो दी जाती है, लेकिन काउंसलर उस जिम्मेदारी को निभाने में कहीं ना कहीं नाकाम जो है वो नज़र आ रहा है। और वो काम और जिम्मेदारी जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जो है वो नहीं हो पा रही। तो हमारे साथ यहाँ के लोकल हैं जो यहाँ पर हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर सच न्यूज़ को जो है वो इनवाइट किया है, इनसे बात करेंगे क्या कुछ इनका कहना है और कितने समय से ये खंबे की ऐसी हालत है और कितनी बार इन्होंने अपने कंसर्न काउंसलर से जो है वो बात की है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा और कितनी बार आपने अपने काउंसलर से जो है वो बात की है इसको लेकर? जी, मेरा नाम सुमित बजरंगी, मैं स्थानीय निवासी बहुफोर्ड का जी। और ये पोल कम से कम भी 8 महीने से, पिछले 7-8 महीने से ये टेढ़ा हुआ है और ये इसके ऊपर लोड ज़्यादा है, बिजली की वायर का लोड ज़्यादा है, उसकी वजह से इसका जो 40 डिग्री एंगल बन चुका है और अभी मुझे लग रहा है ये 90 डिग्री को टच करेगा। अगर एक दो बरसात होगी तो ये 90 डिग्री को टच कर देगा, तो ये किसी ना किसी चीज़ का हादसा होगा। तो मैं समझता हूँ बिजली विभाग को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए ताकि यहाँ पर जो आवाजाही है, लिंक रोड है ये बहुफोर्ड का, ये कच्चा तालाब को लिंक करता है, ये महाशाह मोहल्ला कॉलोनी को लिंक करता है, ये ऊपर गुज्जर मोहल्ले को लिंक करता है और नेशनल हाईवे के साथ उसके साथ लिंक करता है। तो ये लिंक रोड है बहुफोर्ड का, ये मेन, अगर इसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी डिपार्टमेंट की तो मुझे लग रहा फिर किसके ऊपर नज़र पड़ेगी। यहाँ तो किसी का हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आवाजाही करते हैं, यहाँ पे लोग अपने वो निजी काम के लिए यहाँ से निकलते हैं, कोई ड्यूटियों पे जाते हैं ये वहीं से निकलते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये लिंक रोड है, यहाँ की मेन रोड है। और मेन रोड के ऊपर अगर सरकार नहीं देखेगी, अगर डिपार्टमेंट नहीं देखेगा तो मुझे लग रहा फिर कौन देखेगा? हादसे के बाद अगर उसका समाधान निकालेंगे तो मुझे लग रहा था उसके तो फ़ायदा कोई नहीं है। आप क्या किसी का नुकसान देखना चाहते हो? तो नुकसान से पहले इसका समाधान जल्द से जल्द निकाले ताकि किसी को इस चीज़ की नुकसान ना भुगतना पड़े। और ये लोगों की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे किसी के ऊपर भी अगर गिर गया तो उनकी प्रॉपर्टी भी वो नुकसान हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, आप लोग मीडिया के माध्यम से ही लोगों को जागरूक, जो डिपार्टमेंट को नींद से जगाते हैं वो हमारा मीडिया ही है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने मीडिया भाइयों का, मीडिया बंधुओं का, कि वो हमेशा सच की बात लेके आते हैं सामने और ये सच दिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैं अपने भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस चीज़ का नींद से इनको जल्द से जल्द जगाए ताकि ये चीज़ किसी हादसे का शिकार ना बन जाए। यहाँ के जो काउंसलर है शारदा देवी जी, वो कितना यहाँ पर विजिट करती हैं? मे बी वो तो आते जाते रहते होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा और इसके लिए आपने बात की है कि एक काउंसलर ने जो जितना काम करना था वो कर चुके हैं, अभी उनका टाइम पीरियड का वो टाइम जो ख़त्म हो चुका है। अभी काउंसलर मैडम ने तो अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बहुत सारा, आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारी गलियां ऐसे हैं वहाँ पे वो गए नहीं है, बहुत सारी पेंडिंग काम पड़े हैं वहाँ पे, अभी काम नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन ये है कि प्रॉपर अभी पूरे तरीके से आप बोलोगे तो पूरा काम उन्होंने किया वो नहीं किया, मैक्सिमम थोड़ा बहुत काम किया है, ज़्यादा नहीं हम कह सकते, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन प्रॉपर काम नहीं हुआ अभी तक। ये पोल की जो समस्या है ये आपने उनके नोटिस में लाने की कोशिश करी, जहाँ आपने उनसे बात करने की कोशिश करी, ऐसा कुछ जहाँ यहाँ के कंसर्न? देखिए, ये यहाँ पे कंसर्न हमने इनको एक बार नोटिस में लाया है, ये दुकानदार भाई हैं, इन्होंने अपने नोटिस में इनको लाया है कि ये कभी ना कभी हादसा हो सकता है, तो क्या बारिश के कारण हो जाएगा? तो ये जब ये लगा था उसके बाद ये महीना भी नहीं सिद्ध रहा है। ओके, हाँ जी, महीने के बाद ही ऐसा हो गया? हाँ जी, हमने बहुत कंप्लेन किया इसकी, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। कोई रिस्पांस नहीं? हाँ जी मैम।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनका भी यही कहना है कि जहाँ की जो काउंसलर हैं शारदा देवी जी, उनके नोटिस में हमने लाया है, उनसे बात भी करने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स उनकी तरफ से नहीं आया है। कोई भी एक्शन या कोई भी इनिशिएटिव उनकी तरफ से नहीं लिया गया है कि इस पोल का जो है वो काम किया जाए, इसको कहीं ना कहीं या तो रिप्लेस किया जाए और कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाला जाए कि लोगों को यहाँ पर परेशानी ना हो। क्योंकि ये जो रोड है, जैसे सर हमारे साथ उन्होंने कहा कि ये लिंक रोड है, लोगों की आव जारी जो है वो लगी रहती है, टू व्हीलर्स आते हैं, फोर व्हीलर्स भी निकलते हैं और ख़ास बच्चे घरों से निकलते हैं, आगे पीछे शॉप है, मार्केट है, लोग आते जाते रहते हैं, हादसा कभी भी हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है और कोई भी नुकसान जो है वो हो सकता है। फिलहाल यहाँ के जो काउंसलर हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश तो की है फिलहाल फ़ोन कॉल पर, लेकिन उनका जवाब जो है वो नहीं आया है, लेकिन हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, उनसे बात भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर किस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की जान जाए, या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का कुछ नुकसान हो और उसके बाद ही काम हो। ये तमाम सवाल उनसे करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। नमस्कार।